गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6। हमारे पास यूनिट नंबर है 3। हमने जो यूनिट 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.6 के जो फर्स्ट क्वेश्चन के थे वो फोर पार्ट पढ़ लिए। आज हम फिफ्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। हम फिफ्थ पार्ट में पहले के पार्टों की तरह ही 1/x, 1/y को यू और वी की फॉर्म में मानेंगे, पर इस क्वेश्चन में एक्स वाई नीचे पहले से दिया है, तो हम इस वाले क्वेश्चन में पहले रीअरेंज करेंगे। जो 7x लिखा उसके नीचे एक्स वाई आ गया, माइनस 2y राइट किया उसके नीचे एक्स वाई आ गया इक्वल टू 5। y से y कट हो गया, x से x कट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। हमारे यहां तक हो गया। अब हम मुझे नेक्स्ट वाला सॉल्व करना है, ये वाला। तो 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल्स टू 5। दोबारा y से y कट कर दिया, x से x, तो 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 5। अब मुझे लेट करना है, हम लेट कर रहे हैं 1/y। 1/y को मैं u मान रहा हूं और 1/x को v। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें सब में 1/x क्या माना, u माना और 1/y v माना, पर इस वाले क्वेश्चन में हम इसी टाइप से मानेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसी टाइप से राइट किया है। तो जहां जहां अपॉन में y और x लिखा है वहां वहां अब हम ये राइट कर रहे हैं। वही इक्वेशन छोड़े जो हमारे पास, तो अब 7/ क्या आ जाएगा, u, तो 7u माइनस 2v इक्वल टू 5। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 एंड 8u माइनस 7v इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2। तो u और v आ चुका है, मुझे अब क्या करना है, जो u और v दिया है उनके बराबर करना है। तो मैं 7 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और 8 से ऊपर। तो मैंने इक्वेशन 1 को ऐसे राइट कर दिया, इक्वेशन 1 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन 2 को 7 से। जब 8 से करूंगा तो सारे के सारे 8 से मल्टीप्लाई, तो 56 माइनस 16 और 40। और ये वाला 56u प्लस 49v ये आ गया 105। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये, जब हमने 49 को 16 से सब्सट्रैक्ट किया तो आता है 33। कितना आया, 33। तो सॉरी माइनस भी प्लस करवा, प्लस करेंगे 15 4 5 6 65 आ गया 65 माइनस। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 105 माइनस 40 4 65 भी आया दोबारा से माइनस का, तो v की वैल्यू आ गई 1। v की वैल्यू क्या है, 1 आ। मुझे v की वैल्यू 1 आई, वो 1 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो हम v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो v में पुट की तो 7u माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5। 7u इक्वल टू 5 प्लस 2u इक्वल टू 1, क्योंकि इस साइड का आंसर भी 7 आएगा, उस साइड का भी 7 आएगा। तो हमारे पास दोनों के आंसर 1 1 आ गए। अब मुझे नेक्स्ट जो वैल्यूज है वो पुट कर रहे हैं। तो मैंने 1/y क्या माना था, u, 1/x क्या माना था, v, 1 आई, तो 1 लिखेंगे y की वैल्यू 1
एंड एक्स की वैल्यू भी 1 है। तो हमारा आंसर इसी के साथ सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास अब क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट है दोबारा से। पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें tan अपॉन x प्लस y लिखा था हमने पहले के क्वेश्चन पढ़े, उनमें सिंपल x लिखा था या y लिखा था। अब मुझे डायरेक्टली लेट करना है तो मैं डायरेक्टली 1 अपॉन x प्लस y को u मानूंगा और 1 अपॉन x माइनस y को v। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा से वही बन गया, tan u प्लस 2v इक्वल्स टू 4 एंड 15u प्लस माइनस 5v इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। हमें प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसे 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करना और 10 से नीचे, डायरेक्ट लिख रहा हूं या लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 15 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 10। तो हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 15 आया, तो 150 आ गया, 15 टू 30 होता है 4 जा 60। तो 10 से कर रहे हैं तो 150, इसको भी 10 से किया तो 50 और इसको भी किया माइनस का 20, ये माइनस प्लस प्लस ये कट गया, ये आ गया 80 भी और ये भी कितना है 80, कट के कितना है, काट के 1 ही बचा। अब मुझे जो v की वैल्यू 1 आई वो अगेन से पुट करनी है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही डाले दोबारा से। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही वैल्यू डालेंगे v की, तो tan u इक्वल्स टू tan u प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4, तो आ गया tan u इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 ओवर 10 काट के 1 बाई 5। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो इस बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो एज इट इज हैं, वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए राइट कर रहा हूं मैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा था इसका वो 6 छोड़ दिया मैंने, वो आसान क्वेश्चन है। इसमें यहां 6y दिया, जब इस साइड लेके जाएंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा ये 5x। क्या करेंगे जब हम डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आ जाएगा 6x xy 3y xy और 6, तो y से y कट x से x, 6 ओवर x प्लस ये x। ये y और यहां x, सेम क्वेश्चन था फिफ्थ के जैसा। तो हमने 7 कर लिया, 8 पार्ट है, 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 बाय 4 एंड नेक्स्ट है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3। हमारा जो ये दो क्वेश्चंस बचते हैं ये सॉल्व करेंगे। थैंक यू।